भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार और गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन, जिन्होंने अपने अभिनय के दम पर भोजपुरी, साउथ और बॉलीवुड में अपनी एक अलग जगह बनाई है। रवि किशन ने 90 के दशक में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने बॉलीवुड की फिल्म पीताम्बर से अपने फिल्मी करियर का आगाज किया। रवि किशन को फिल्म इंडस्ट्री में लगभग 25 साल पूरे हो गए हैं। रवि किशन की डिमांड आजकल भारत की हर फिल्म इंडस्ट्री में है, लेकिन रवि किशन का शुरुआती फिल्मी सफर इतना आसान नहीं था। उन्हें शुरुआत में कई पापड़ बेलने पड़े थे, जिसके बाद जाकर उन्हें सफलता मिली। रवि किशन के अपने फिल्मी करियर के दौरान एक ऐसा समय भी आया जब उन्हें फिल्मों में काम नहीं मिल रहा था, और इस बीच उन्हें जिगोलो यानी कि प्ले बॉय बनने का ऑफर भी दिया गया था, लेकिन अभिनेता ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। जिगोलो वाली बात का खुलासा रवि किशन ने हाल ही में किया है। उन्होंने इंडिया टीवी के शो आपकी अदालत में बताया कि उन्हें उनकी बॉडी को देखकर एक व्यक्ति ने उन्हें जिगोलो बनने का ऑफर दिया था, लेकिन रवि ने अपनी सूझबूझ को दिखाते हुए इस ऑफर को नकार दिया। रवि किशन ने कहा कि मेरे जीवन में ऐसे कई ऑफर आए थे। जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं तो इस तरह के कई मौके आते हैं जब आपको लोग बेकार चीजों में फंसाना चाहते हैं, लेकिन मुझे अपने टैलेंट पर विश्वास था और इसलिए मैंने इस तरह के ऑफर्स पर कभी ध्यान नहीं दिया। मुझे यकीन था एक दिन मेरा भी दिन आएगा। मुझे थोड़ा समय जरूर लगा, परंतु मुझे जिस मुकाम पर पहुंचना था वहां मैं पहुंच गया। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब लहरें।